नमस्कार सभी को, जयशंकर। इस समय आपको बता दूं कि मैं बिश्नाज क्षेत्र के कनाल इलाके में हूं, जहां पर एक घर में भयंकर आग लगी है। आप देख सकते हैं लाखों का नुकसान हुआ है यहां पर, और किस तरीके से आग लगी है फिलहाल इसकी अभी कोई जानकारी नहीं। आप देखेंगे सबसे पहले नुकसान की स्थिति आप इस समय देख रहे हैं। ये सारा सामान जो है इस समय जलकर खाक हो चुका है। एक गार्डन अलमारी थी, अलमारी के साथ कीमती सामान, कपड़े और काफी ज्यादा कास्टली सामान जो है सारा जलकर राख हो चुका है। घर की स्थिति आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे किस तरीके से भयंकर आग के चपेट में आ जाने से लाखों का नुकसान हुआ है। एक गार्डन अलमारी आप देख रहे हैं किस तरीके से जलकर खाक हो चुका है, और घर की स्थिति आप देखेंगे, ये सारा बेड है और बेड की दुर्दशा भी आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा। आप देखेंगे बेड कुछ बचा नहीं, और कितना भयंकर आग का रुख जो है धारण किया था आग ने, और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। पूरा बेड की दुर्दशा आप देख सकते हैं, सामने पूरा बेड था, पलंग था, और पलंग की व्यवस्था इस समय आप देखे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। ये घर है उपरले कनाल, जो कि बिश्नाज क्षेत्र इलाके का पूरा मामला है। काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, घर के लोगों की जान बाल बाल बची है। आप देखेंगे काफी तादाद में जनता यहाँ पर आई हुई है, कई कमरे हैं, और कई कमरे की दुर्दशा इस समय आप देखेंगे। आगे तक देखेंगे किस तरीके से आग जो है यहाँ पर फैलता है, और लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है, कुछ बचा नहीं यहाँ के। जिस तरीके से आप देख रहे हैं चारों ओर से देखेंगे आप दीवारें, मैं आपके समक्ष दिखाने का प्रयास करूंगा सारा किस तरीके से नुकसान यहाँ पर हुआ है। काफी ज्यादा इस कमरे में भी आग जो है, सभी कमरे में आग जो है पहुंची थी, और किस तरीके से यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। एक कमरा था, यहाँ के जो लोग हैं मैं उनसे बात करूंगा, घर के जो लोग हैं उससे बात करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति देखने को मिले, सारा सामान देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है, और नुकसान कितना फिलहाल यहाँ पर हुआ है। घर के जो लोग हैं उससे बात करूंगा, घर के लोग कहाँ, घर के जो लोग हैं उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आप जी 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 जी, क्या बात हुई, कैसे आग लगी? मैं माता रानी की जोत लगाई थी। अच्छा, और घर में कौन कौन था दीदी? मैं और मेरे बच्चे। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपको? देख लो आप। क्या बात है भाई साहब, मैं इयो कमार आ रहा, मैं पता नहीं कुछ भी। चलो मैं आ गया, अग बगल लगी थी शायद। अच्छा, तो मोहल्ले वाले लोग लगे बेचारे, अग बुझा सारे, खाली बच्चे बेचारे बाहर ही। नुकसान देख लो तुम तो सामने जो भी है। मेरे बच्चे, हस्बैंड को भी शुगर पेशेंट है, मेरे बच्चों को, इनको इसको 4 इंजेक्शन लगते हैं रोज के, इनको 3 लगते हैं रोज के, मैं कहाँ से लूंगी इतना पैसा? मेरा बच्चा छोटा बीमार है, ये भी आपको वह पता लगा आपको? मैं जब आया भी, मैं उस टाइम ही पता लगा, जब मैं आया था ना उस टाइम मुझे पता लगा। मैंने मोटरसाइकिल रोके, आगे देखा तो आग बुझा रहे थे जी। देखेंगे जी, ये परिवार है आपके समक्ष है, और किस तरीके से यहाँ गरीब को जो है मार पड़ी है आग लगने के कारण, काफी ज्यादा नुकसान है। तो माता जी थोड़ा अग लगी जानकारी दरबानी जगह नहीं लगी, घर गई जागते बंद की साली सूली मोटर वाटर लाई, फिर समान कड्डिया मुड़े, अरे सुगर करो न्याणे अंदर नी अंदर हाँ आते सबसे पहला हाथ लगाया कूलर को, करंट पड़ा सभी को, हाँ करंट पड़ा। आगे अंदर गए तो सभी जोत लगाई थी, माता की जोत लगाई थी, उधर सभी कुछ जल गया था, कुछ भी नहीं रहा है, सभी बीमार है, सब कहाँ से खर्चा करेंगे हम? हाँ पैसे होते तो हम इलाज नहीं करवाते, कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, हम कहाँ से पैसे लेंगे? सब कुछ जल गया, कहाँ से लेंगे हम? दिहाड़ीदार 6-7 हजार क्या बनता है? देखेंगे जी, बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, और नवरात्रे के पवित्र दिन चल रहे हैं, और ये सारा
सामान इस समय आप जेके चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान यहाँ पर हुआ है। और भी चाचा के ना थोड़ा गुरदास राव। अच्छा की गल है लगा पाते मेरी तो पता नहीं लगे अस उधर भरे रहने। अच्छा बहू ने फोन किया बड़ी ने के इन्हें पुष्प कमल के घर अग लगी लोग सारे कट्ठे हुए तो माता मम्मी तो पता नहीं अस फिर आए दौड़ते आए अगे बच्चे लगे दे हैं तो कई साह होआ दा हा बंद होआ दा हा ते बड़े औखे मतलब उन्हें समान समून ए भी लगे दा बेचारा बड़ा औखा समान समून थोड़ा जो सड़े सुड़े का कड़िया जे अगर कड़दे नहीं तो पता नहीं होर की हालत होंगी जरा अगे भी आई सकती ही हाली अजे तो चलो इतने तकर गया पुजी ते अगे भी आई सकती ही। बाकी खुदा परमात्मा का शुक्र है कि बच्चा कोई अंदर ने सह प्रशासन को अपील करके जिया बड़े गरीब लोग ने कोई भरपाई वगैरह हो प्रशासन को अपील करके क्योंकि अगे गए बीमार है डायबिटीज का मरीज है बच्चा भी डायबिटीज का मरीज है ते ए है कि अगर इसकी कोई माली मदद की जा ते ओदे कने हो के चलो बेचारा अपने पैरों पर खड़ो जाग। मेरा नाम नरेश है देख कुमार कदू लगा पता भैया तुसे सर जी मैं अली रोटी लगा खान जी पहला मैं इधर आया था इधर मैं जा रहा दुकाना पर इस मुड़े की मम्मी इतना खलोती थी मैं इसी पूछया महा परजाई मेरे घर आली वाले इधर गई आखा अली हूं गई हो गया दो मिनट मैं दुकाना पर होइया पेंट लिया मैं आई आ जिंजा मैं आया खाली घर आनी मैं खाली रोटी लगा ग्राह खान चल न्याणे रौला पाई दिता जिला मैं इथा आया जिन्या मैं अंदर आया ना नंगे पैर मी जिला इथा हथ लाया मी करंट पिया मी बारे नठी आ मी मुड़े को ले चप्पल तार कटाई अहे थोपरा खंबे परा ते फिर दुपट्टा लिया अहें गिला करी दुपट्टा गिला करी चादर बननी दुपट्टा लिया उपर फिर अहें बड़े अग्गा दे विच अहें समान कढ़ी कढ़ी आंदा किन्ना नुकसान होया लगदा सर नुकसान साहब जी तुंदे सामने देख लो जो बैड बुड कंबल आली सारे अहें बाहर कढ़े देना और भी एल सी डी भी सड़ी सारी है और भी राशन पानी हों भी सड़ी सारा राशन मुल्ले पा भी सारा सड़ी प्रशासन को अपील करके सर सर हम तुम तकी लो जो भी आई दिहाड़ दिहाड़ बनता बचारे ने के करना बचारे ने सत्त अठ हजार करना के बनता अजकल तू आपे सियाने दो बच्चे ने बच्चा भी बीमार है बचारे का आपे भी बीमार है दिहाड़ीदार बंदे ने बचारे ने के कर लेना दसी लो तुम। हां देखेंगे जी पूरी फैमिली है देखेंगे नौजवान है बाबू जी बच्चा है अगर रब का मारे का बंदा ये बहुत गरीब बंदा बेचारा मैं आवें अस रखने बहुत गरीब बंदा बेचारा चाहे अपनी मदद बेचारा अपना इलाज करा चाहे बच्चे का करा चाहे घर राशन पा। देखिए जी गरीबी को वैसे भी गरीब की मार होती है और जिस तरीके से कुदरत की तरफ से एक और मार जो है गरीब को पड़ी है कहीं ना कहीं बड़ा दुखद है। पूरी फैमिली आपके समक्ष देख रहे हैं जिस तरीके से पूरी घटना पेश आई है। मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा बिश्नाह क्षेत्र इलाके से तहसीलदार से डीसी जम्मू से एक घर है छोटा सा आशियाना इन्होंने बनाया है बड़ी मुश्किल से मेहनत से गरीब की स्थिति में आज के समय में मकान बनाना हो या ऐसी अवस्था में मकान खरीदना हो बड़ी मेहनत का काम है महंगाई के दौर पर और एक गरीब को जिस तरीके से मार पड़ी मैं कहूंगा बेचारे ने अदारे पैसे लेकर किसी से कपड़ा लिया होगा वो भी कपड़ा सारा जला हुआ। शादी किसकी है? इनकी बहन की समझ लो। अच्छा। हाँ ताए की लड़की है बहन की समझ लो शादी है पास में शादी थी कल शादी है अब बेचारे ने पता नहीं कहां से पैसे पूसा उधार लिया गया दुकानदार से जिससे दुकान वाले का काम करता है वहां से पैसा लिया होगा उधारा पैसे लाया होगा पैसे पूछे तो नहीं रखे थे नहीं पैसे नहीं थे। देखेंगे जी ये पूरा स्थिति है मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। एलईडी वगैरह सारा सामान कुछ नहीं बचा ये रात का समय है फिर भी स्थिति आप देख रहे हैं प्रातःकाल में फिर एक बारी अपडेट आपको जरूर दूंगा ये देख सकते हैं बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। माँ जी के ना थोड़ा मैं ना शारदा जी अच्छा क्यों अपील करके प्रशासन को कोई मदद वगैरह मिली है इन्हें मदद मिलनी चाहिए है मेरे 13 बच्चे ने अच्छा। बड़े मुश्किल पर बीमार होंदा बच्चा किन्ने किन्ने चिर अस्पताल रखने उन्हें निक्का बच्चा भी बीमार है कुत कुत लाने पैसे बचाने दिहाड़ीदार के कर सकना मां प्यो के कर सकते ने वो भी दिहाड़ीदार है फैक्ट्री गेदा है फैक्ट्री लगे दा बेचारा ते इतना अरसा हो गया वो फैक्ट्री च है
हूं उसी पता लगा और आज नहीं जोड़ा नहीं है कि आया जहाँ लगी थी सामने देखेंगे जी ये LED थी ये भी जलकर खाक हो चुकी है और काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। सभी लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास सभी लोगों ने किया है और काफी सामान जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। घर के लोग जो है परिवार अन्यथा यहाँ के आस पड़ोस के लोग जो है यहाँ पर दौड़े हैं और ये सारी इनकी फैमिली है। इस समय JK चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं जो मदद करती आई है और ये घर की स्थिति है। सारा सामान यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर लाखों का हुआ है। मैं आधे से ज्यादा जल गया जो बाहर फेंक दी है, वो पूछे वाला कमरा वो सारा जल गया, उसका दरवाजा पूरा बेड बुड सब कुछ जल गया, अलमारी में आग तक अंदर राख वाली थी, सब कुछ जल गया। भैया कहाँ से ला लेंगे यार, बेचारा गरीब बंदा यार, बेचारा वो कहाँ से करेगा इतना ऑपरेशन वगैरह। देखिए जी ये पूरा मामला है, मैंने आपके समक्ष JK चैनल के माध्यम से अपील करूंगा। जिस तरीके से ऐसी व्यवस्था में ये पूरा घर जलकर खाक हुआ है, काफी ज्यादा लाखों का नुकसान हुआ है, महादेव इनकी रक्षा करे और मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा आप जितना हो सके इस परिवार की जो मदद करना चाहता जरूर आए। जितने भी NGO हैं जम्मू में बिश्नाह क्षेत्र इलाके में, आज मुझे पता है इलेक्शन का टाइम था, आज जीत की खुशी जो है विजयपुर सांबा बिश्नाह इलाके से BJP जीती है और जितने भी लोग जो कैंडिडेट जीते हैं मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि आप यहां पर एक बार दौरा करें और जितने भी यहां पर कुछ भरपाई हो प्रशासन की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से जरूर यहां पर देने की कोशिश करें। गरीब इंसान है और किस तरीके से बीमार है, टोटा इन्हें बीमारी की वैसे भी मार है और कुदरत की तरफ से ये मार जो पड़ी है मैं कहूंगा काफी ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है और भरपाई के लिए प्रशासन जरूर आगे आए, तहसीलदार बिश्नाह आए और जीते हुए कैंडिडेट भी यहां पर दौरा करें और NGO जितने भी काम करते हैं गरीब इंसान की मदद करते हुए नजर आते हैं, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा आप यहां पर आए और इन्हें कोई भरपाई वगैरह दें। वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद। जय महाकाल, जय शंकर।